गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जीएसटी ई इनवॉइस बनाने का जो प्रोसेस है उसके बारे में, जो कि जीएसटी पोर्टल पे अपडेट किया गया है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी पोर्टल के अंदर क्या अपडेट आए हैं ई इनवॉइस से रिलेटेड वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट स्टार्ट द वीडियो। जीएसटी ई इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है सेलर विल क्रिएट हिज इनवॉइस इन हिज अकाउंटिंग और बिलिंग सिस्टम। इनवॉइस शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द इनवॉइस स्कीमा दैट इज पब्लिश्ड एंड हैव द मैंडेटरी पैरामीटर्स। सप्लायर्स सॉफ्टवेयर वुड जनरेट अ जेसॉन अगेंस्ट ईच बी टू बी इनवॉइस दैट विल बी फर्दर अपलोडेड ऑन द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल और आईआरपी पोर्टल। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल ओनली टेक द जेसॉन ऑफ द इनवॉइस। पहला स्टेप है जिसके अंदर सेलर को, सेलर का मतलब जो डीलर है जिसको ई इनवॉइस जनरेट करना है, वो अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या फिर बिलिंग सॉफ्टवेयर या फिर जिस भी सिस्टम में वो अपनी अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उसमें आपको इनवॉइस जनरेट करना है। और जो इनवॉइस जनरेट होगा वो होगा इनवॉइस के स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इनवॉइस के स्टैंडर्ड स्कीमा के अंदर जो कि जीएसटी पोर्टल में अवेलेबल करवाया गया है। एक बार आप उस स्कीमा के अकॉर्डिंगली जेसॉन फाइल के अंदर अपना ई इनवॉइस का जो फॉर्मेट है वो डेवलप कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको वो जेसॉन फाइल इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो होगा उसके अंदर उस जेसॉन फाइल को अपलोड करना होगा। आप अगर जेसॉन फाइल उस इनवॉइस का अपलोड नहीं करेंगे तो आप आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इनवॉइस आपको अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही करना है, बाकी का प्रोसेसिंग इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल और जो सेंट्रल रजिस्ट्रीज हैं वो करेंगी। इनवॉइस आपके सिस्टम से ही बनना है एज पर द स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड स्कीमा, जिसमें कुछ फील्ड्स मैंडेटरी रखी गई हैं, जिसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। तो पहला स्टेप आपको अपने सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए जीएसटी का ई इनवॉइस बना लेना है एज पर द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। और इस इनवॉइसिंग को करने के लिए आप ClearTax का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जिसका साइनअप लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आप साइनअप करके इनवॉइस बनाते बनाते साथ ही साथ इनवॉइस बनाने के साथ साथ अपनी रिटर्न भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इनवॉइस बनाइए एक तरफ, रिटर्न प्रिपेयर कीजिए दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली। दूसरा जो स्टेप है वो है जनरेट इनवॉइस रेफरेंस नंबर। सेलर हिमसेल्फ कैन जनरेट द इनवॉइस रेफरेंस नंबर बेस्ड ऑन द डिफाइंड एल्गोरिदम। इनवॉइस रेफरेंस नंबर बेसिकली जो आप जेसॉन फाइल अपलोड करेंगे उसके लिए एक हैश वैल्यू होती है। टेक्निकल टर्म्स में हैश वैल्यू का मतलब होता है कि हर एक डॉक्यूमेंट के साथ एक SHA-256 एल्गोरिदम के साथ आपको इनवॉइस जनरेट करना होता है। इजी भाषा में मैं समझाऊं तो आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर वो या तो आपका पोर्टल जनरेट करके देगा या फिर सेलर जो है वो खुद भी जनरेट करके अपलोड कर सकता है। जो इसका एल्गोरिदम है, जो इसके क्राइटेरियाज हैं, उसके अंदर तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है आईआरएन बनाते समय। सबसे पहला है इनवॉइस नंबर, उसके बाद है आपका जीएसटी नंबर, सप्लायर का जीएसटी नंबर, और तीसरा जो है वो है फाइनेंशियल ईयर। ये तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से आपको आईआरएन बनाना है। ये आईआरएन जनरेट करने का पर्पज ये है क्योंकि ये आईआरएन नंबर से ही आगे के प्रोसेसिंग सारी कंप्लीट की जाएगी। और ये आईआरएन जो होगा वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर। दूसरा स्टेप हो गया हमारे पास आईआरएन जनरेट करने का। तीसरा जो स्टेप है वो है अपलोड जेसॉन ऑफ ई इनवॉइस along with IRN if generated by the seller into the invoice registration portal by the seller. JSON may be uploaded directly on the IRP or through GSPs or through any other third party. दो स्टेप के अंदर पहले आपको अपना ई इनवॉइस का JSON तैयार करना है, दूसरे स्टेप में उसका IRN नंबर जनरेट कर लेना है, उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर आपको JSON के साथ साथ जो आपने IRN जनरेट किया है इन दोनों को आप IRP में इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आप डायरेक्टली पोर्टल पे जा सकते हैं या फिर आपको जो है किसी भी जीएसपी सॉफ्टवेयर जैसा कि ClearTax है उसका यूज कर सकते हैं अपने अपलोड करने के लिए जेसॉन फाइल को, उसके साथ साथ IRN को। और ये दोनों चीजें करने के बाद आगे का प्रोसेसिंग जो है सेंट्रल रजिस्ट्री करेगी, जिसके अंदर आपको वैलिडेशन किया जाएगा
कि जो हैश फाइल आपने जो आपने IRN जनरेट किया है उस इनवॉइस का नंबर दूसरे इनवॉइस नंबर से मैच तो नहीं कर रहा, उसी फाइनेंशियल ईयर में सेम इनवॉइस नंबर पहले कभी इशू तो नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर के अंदर। फोर्थ स्टेप जो है उसके अंदर ये बताया गया है IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल जनरेट द हैश और वैलिडेट द हैश ऑफ द अपलोडेड जेसॉन इफ अपलोडेड बाय द सप्लायर। आप जैसे ही जेसॉन फाइल अपलोड करेंगे और IRN को अपलोड करेंगे, सेंट्रल रजिस्ट्री जो है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है आपके डेटा को चेक करेगा और उसका एक हैश फाइल जनरेट करेगा जो कि फर्दर सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग के लिए यूज करना है। इफ अपलोडेड बाय द सप्लायर अपॉन वेरिफिकेशन ऑफ द सेम, अब यहां से वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अपॉन वेरिफिकेशन ऑफ द सेम विद द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ द जीएसटी सिस्टम IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल एड इट्स सिग्नेचर ऑन द इनवॉइस डेटा एंड एज वेल एज QR कोड टू द जेसॉन फाइल। जब आपकी सारी चीजें वेरीफाई कर ली जाएंगी कि आपने इस नंबर का इनवॉइस इससे पहले कोई भी इशू नहीं किया है, तो सेंट्रल रजिस्ट्री जो है आपका इनवॉइस डेटा वो अपलोड करने के बाद अपना सिग्नेचर लगा के साथ ही साथ उसके अंदर QR कोड अफिक्स करके आपको जेसॉन फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा इनवॉइस से रिलेटेड। हैश कंप्यूटेड बाय द IRP विल बिकम द इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो हैश जनरेट होगा दैट विल बी द इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर इनवॉइस। इट शैल बी यूनिक टू ईच इनवॉइस एंड हेंस बी द यूनिक आइडेंटिटी फॉर ईच इनवॉइस फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर इन द एंटायर जीएसटी सिस्टम फॉर अ टैक्स पेयर। उस टैक्स पेयर के लिए उस फाइनेंशियल ईयर में जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा वो अब चेंज नहीं हो सकता है, वो आपका अपलोड हो जाएगा इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर। तो काफी ज्यादा टेक्निकल है ये चीजें और आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनवॉइस बनाने के लिए आपको इन सारे प्रोसेस से होकर के जाना पड़ सकता है। अगला जो स्टेप है, द ई इनवॉइस विल बी शेयर्ड विद द जीएसटी पोर्टल एंड द ई वे बिल सिस्टम। एक बार ई इनवॉइस जनरेट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली आपके जीएसटी पोर्टल और ई वे बिल पोर्टल पे चला जाएगा, ताकि आपका रिटर्न जो है वो प्रिपेयर हो जाए और ई वे बिल जो है वो भी प्रिपेयर हो जाए। लास्ट स्टेप है, IRP विल रिटर्न द डिजिटली साइंड जेसॉन विथ IRN बैक टू द सेलर अलॉन्ग विथ अ QR कोड। सारी चीजें करने के बाद IRP आपको दोबारा से वही वाला जेसॉन फाइल भेज दिया जाएगा जिसके अंदर सिग्नेचर होंगे, QR कोड होंगे सेंट्रल रजिस्ट्री के। द रजिस्टर्ड इनवॉइस विल ऑल्सो बी सेंड टू द सेलर एंड बायर ऑन देयर ईमेल IDs as mentioned in the invoice। और जो इनवॉइस रजिस्टर हो चुका है अब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर, वो आपके सेलर के अंदर और जो ईमेल आईडी दी गई है बायर्स की, उन दोनों के पास सिस्टम के द्वारा ही मेल में भेज दी जाएंगी। उसके अंदर आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिसको आप फॉलो करके अपना ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। और इस कंबरसम प्रोसेस को इजी करने के लिए आप जीएसटी का जो क्लियर टैक्स पोर्टल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स जो हैं अवेलेबल करवाई जाएंगे जैसे ही ई इनवॉइस लाइव होता है। उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, वहां से साइन अप कर सकते हैं। इनवॉइसिंग के साथ साथ आप वहां पे रिटर्न फाइलिंग का जो काम है वो भी बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। और इस सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए अभी काफी अच्छा डिस्काउंट्स भी दिया जा रहा है दिवाली जीएसटी महोत्सव के अंदर, जहां पे आपको 100 आवर्स का एक्सक्लूसिव ऑफर दिया गया है 24 अक्टूबर 2019 तक। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको जीएसटी ई इनवॉइस बनाने का जो न्यू प्रोसेस है उससे रिलेटेड ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि अब हम लोगों को जीएसटी का ई इनवॉइस जो है वो कैसे बनाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।